नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज बात करेंगे धरती और प्रकृति के साथ हो रहे खिलवाड़ के बारे में। क्योंकि मानव जाति तभी सुरक्षित रह सकती है जब हमारी धरती सुरक्षित होगी। मनुष्यों की उत्पत्ति के साथ दुनिया के सृजन और विनाश को लेकर मौजूद कई अवधारणाओं के बीच अक्सर ये सवाल उठता रहता है, धरती या फिर इंसानों का अंत आखिर कब होगा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जीवन की रचना और अंत ईश्वर के हाथ में है। वैसे अलग अलग धर्मों में इसकी अलग अलग व्याख्या की गई है। आज के युग में विज्ञान की प्रधानता है, इस नज़रिए से दुनिया के कई वैज्ञानिक इंसानों और दुनिया के खात्मे को लेकर कई दावे कर चुके हैं। इस पर कई सारे फिल्में भी बन चुकी हैं। दरअसल इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और साइंटिस्ट एबी लोएब ने यंग साइंटिस्ट से सवाल पूछा था कि आखिरकार दुनिया कब तक रहेगी, धरती के ख़त्म होने या इंसानों के ख़त्म होने की तारीख क्या होगी। इसी के साथ उन्होंने अपील की है कि वो सभी मिलकर जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए काम करें। वहाँ के प्रोफेसर और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने चर्चा की कि अभी बहुत सारे काम करना बाकी है। सभी को पौष्टिक भोजन मिले, अंतरिक्ष में बड़े बेस स्टेशन बनाने की तैयारी करनी चाहिए और साथ ही एलियन से संपर्क करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जिस दिन हम तकनीकी रूप से पूरी तरह मैच्योर हो जाएंगे, उस दिन से इंसानों की पूरी पीढ़ी और धरती नष्ट होने के लिए तैयार हो जाएगी। ऐसे ही मिशन के तहत प्रोफेसर लोएब का कहना है कि धरती के विनाश के समय हमारी यही सब खोजें और तकनीकी विकास उस समय मौजूद कुछ इंसानों को बचा पाएंगी। इस चर्चा में इंसानों की घटती उम्र भी एक बहुत बड़ा विषय था। इंसानों की उम्र को बढ़ाने के लिए भी विचार किए गए, क्योंकि यह धरती लाखों साल तक बची रह सकती है या इंसान कुछ सदियों तक जीवित रह सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। वैज्ञानिकों ने कहा कि जिस तरह से धरती की हालत इंसानों की वजह से खराब हो रही है, उससे लगता है कि इंसान ज़्यादा दिन तक धरती पर नहीं रह पाएंगे। कुछ ही सदियों में धरती की हालत इतनी खराब हो जाएगी कि लोगों को स्पेस में जाकर रहना पड़ेगा। सबसे बड़ा खतरा तकनीकी आपदा का है। वहीं इसके अलावा दो बड़े खतरे हैं, इंसानों द्वारा विकसित महामारी और कुछ देशों के बीच होता युद्ध। इन सबको लेकर सकारात्मक रूप से काम नहीं किया गया तो इंसानों को धरती खुद खत्म कर देगी। वैज्ञानिकों ने कहा कि अलग अलग देशों का मौसम लगातार अप्रत्याशित रूप से बदल रहा है। बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्री जलस्तर बढ़ रहा है, सैकड़ों सालों से सोए हुए ज्वालामुखी फिर से आग उगलने लगे हैं। धरती पर ऑक्सीजन के सोर्स जैसे अमेजन के जंगल और अन्य अहम हिस्से आग से खाक हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की आग कैसे कोई भुला सकता है, जिसमें करोड़ों जीव जंतु भी खाक हो गए। सीनियर साइंटिस्ट और प्रोफेसर ने कहा कि फिजिक्स का साधारण मॉडल कहता है कि हम सब एलिमेंट्री पार्टिकल्स यानी मूल तत्वों से बने हैं, इनमें अलग से कुछ जोड़ा नहीं गया है। इसीलिए प्रकृति के नियमों के आधार पर हमें मौलिक स्तर पर इनसे छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर इनसे छेड़छाड़ यूं ही जारी रहेगी तो आखिरकार इससे सभी का सामूहिक नुकसान होगा। इसीलिए इंसान और उनकी जटिल शारीरिक संरचना को निजी तौर पर किसी भी आपदा की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। दोस्तों, मतलब साफ है कि जिस तरह से हम सभी इंसान प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बड़े बड़े देश कर रहे हैं, इस हिसाब से धरती को नष्ट होने में समय नहीं लगेगा। इसलिए अभी भी समय है हमें जागरूक होने का और हमें जागने का, ताकि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सके और अपने धरती को बचा सके। वो सब हमारे ही हाथों में है। हम जितना प्रकृति का ख्याल रखेंगे, प्रकृति हमारा भी उतना ही ख्याल रखेगी। तो ये छोटी सी जानकारी इस वीडियो में देनी थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएँ। मिलते हैं फिर ऐसी किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।